इस वीडियो में हम फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक चिकित्सा के बारे में जानेंगे। प्राथमिक चिकित्सा एक ऐसी क्रिया है जो किसी भी व्यक्ति के बीमार होने या चोटिल होने पर सबसे पहले उसे प्रदान की जाती है। प्राथमिक चिकित्सा किसी भी व्यक्ति की लाइफ को बचाने के लिए या उसके कंडीशन को और खराब ना होने देने के लिए या उसकी जल्दी रिकवरी के लिए दी जाती है। प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स के कुछ जरूरी सामान, कुछ अवयव हैं जैसे कि बैंडेड, गौज पैड या टेप, एक सीजर्स जिसे कि हम कैंची कहते हैं, एक कोल्ड पैक जिसमें बर्फ डालकर उसको ठंडा कर किसी भी सूजन वाली जगह पर लगाया जाता है, कंप्रेस जिसे कि हम किसी कटे हुए स्थान को दबाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, आई पैड जिससे अगर आँखों में कुछ चला जाता है तो उसमें आराम देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक बर्न क्रीम जो कि कहीं भी जलने की स्थिति पर लगाई जाती है, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट जो कि कट लगने पर किसी भी एंटीसेप्टिक की तरह काम करती है और इन्फेक्शन को नहीं फैलने देती। इसके अलावा फर्स्ट एड बॉक्स में हम फेस शील्ड यूज़ करते हैं ताकि कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसी बीमारी जो इन्फेक्शन फैला सकती है उससे बचाव हो सके। इसमें होते हैं ट्वीज़र्स, एक थर्मामीटर और इसमें एक बुकलेट भी रखते हैं जिसमें कॉमन फर्स्ट एड इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। अब हम कुछ फर्स्ट एड के कॉमन प्रोसीजर्स के बारे में जानेंगे। चोकिंग एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति के गले में कुछ फंस जाता है, तो ऐसे केस में हमें उस पीड़ित से पूछना चाहिए कि क्या वो बात कर सकते हैं या नहीं। अगर वो नहीं कर सकते तो हमें तुरंत उनकी मदद करनी चाहिए, उनकी मदद के लिए उनके पीछे खड़े हो जाना चाहिए। अपने हाथों को उस व्यक्ति के पीछे पेट पर बांधकर उसे जोर से ऊपर की तरफ खींचना चाहिए ताकि जो भी उसके गले में हो वो एक दबाव से बाहर निकल जाए। अगर पीड़ित व्यक्ति तब भी रिस्पॉन्स नहीं करता तो हमें एम्बुलेंस को तुरंत कॉल कर देनी चाहिए और अगर उसे सांस लेने में समस्या हो रही हो तो हमें उसे CPR देनी चाहिए। माइनर वॉन्ड्स जिसमें शरीर के किसी हिस्से में छोटा घाव हो जाता है किसी भी चीज़ के काटने से, तो इस केस में हमें सबसे पहले एंटीबैक्टीरियल सोप का इस्तेमाल करते हुए उस जगह को साफ करना चाहिए और जो भी वहाँ पे फॉरेन मैटर हो जैसे कि कोई ग्रीस या कोई लोहे का टुकड़ा, इस प्रकार की चीज़ों को भी साफ कर देना चाहिए और उसके बाद उसके ऊपर हमें बैंडेज लगा देना चाहिए। ब्रूजिंग जिसे कहते हैं कि रगड़ लगना, अगर पीड़ित को ऐसी परिस्थिति है तो इस केस में हमें बर्फ लगानी चाहिए उस स्थान पर और अगर स्किन का कोई एरिया उठा हुआ है तो उस केस में हम उस पर एक पतला टॉवल या कोई कपड़ा बांध सकते हैं बर्फ के साथ ताकि वहाँ पे सूजन और कम हो जाए और खून निकलना बंद हो जाए। बर्फ़ को हम ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट तक ही लगा सकते हैं, उसके बाद हमें 20 मिनट छोड़ देना चाहिए और उसके बाद दोबारा 20 मिनट इस्तेमाल कर सकते हैं। शॉक एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति के शरीर में किसी अंग में ब्लड सही तरीके से नहीं पहुंच पाता और इस कारण से व्यक्ति सही से रिस्पोंड नहीं कर पाता। शॉक की स्थिति में व्यक्ति को उसकी कमर पे लेटा देना, कमर के बल लेटाना चाहिए और उसके पैरों को उसके बाकी शरीर के मुकाबले थोड़ा ऊपर रखना चाहिए और इस केस में हम व्यक्ति को किसी कपड़े से भी ढक सकते हैं, लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ ओवरहीटिंग ना हो और हवा का आवागमन भी उस स्थान पर सही होना चाहिए और हमें लगातार ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्ति सही से सांस ले पा रहे हैं नहीं। अगर व्यक्ति को सांस लेने में समस्या हो तो हमें CPR देनी चाहिए। बर्न या जलने की स्थिति में व्यक्ति के जिस भी एरिया में जलन है उस स्थान को ठंडे पानी से तब तक धोना चाहिए जब तक कि दर्द कुछ कम ना हो जाए उस व्यक्ति का। ठंडा होने के बाद
उस स्थान को ड्राई करना चाहिए और उसके ऊपर बैंडेज लगा देनी चाहिए। और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पे कोई फ्रिक्शन या रगड़ ना हो, और हमें कोई भी ऐसा ऑइंटमेंट नहीं लगाना चाहिए जिससे कि वहाँ पे दाने उभर आए। अगर किसी व्यक्ति को डंक लग गया है या किसी जानवर ने काट लिया है, तो इस केस में जिस स्थान पर भी काटा है उस जगह की ज्वेलरी और कपड़े को हटा देना चाहिए और उस स्थान को साफ पानी और साबुन से साफ करना चाहिए। साफ करने के बाद हम उसके ऊपर बैंडेज लगा सकते हैं और यदि सूजन और दर्द ज़्यादा हो तो वहाँ पर बर्फ भी अप्लाई की जा सकती है। हीट एक्सोशन वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति को गर्मी लग जाती है या जिसे कहते हैं कि लू लग जाना। इस स्थिति में व्यक्ति को सारी एक्टिविटीज बंद कर देनी चाहिए और आराम करना चाहिए। यदि व्यक्ति खुद नहीं चल सकता तो उसे किसी ठंडी स्थान पर ले जाना चाहिए और उसे पीने के लिए ठंडे पदार्थ देने चाहिए। यदि उसकी स्थिति और ज़्यादा बिगड़ती हो तो हमें डॉक्टर को कॉल कर देना चाहिए तुरंत। और यदि व्यक्ति का टेम्परेचर 104 डिग्री से ऊपर हो तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जिसे कि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण भी कहते हैं, यह वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जहाँ स्थितियाँ स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होती हैं। इस श्रेणी में आते हैं हेलमेट और पैरों के बचाव के लिए सेफ्टी शूज, कानों के बचाव के लिए ईयर प्लग्स, आँखों के बचाव के लिए सेफ्टी गॉगल्स, हाथों के बचाव के लिए दस्ताने, और यदि फेस पर कुछ चिप्स उड़कर लग सकती हैं, कोई भी लोहे के टुकड़े या किसी मेटल के टुकड़े, तो फेस मास्क भी इस्तेमाल किए जाते हैं।